अरे दूध पी लेते उसको लाइक वो फैदम नहीं कर पा रही थी कि ये क्या हो गया, क्या कर लिया इसने. एक्सेप्ट दैट दिस इज नॉट कार्टून, दिस इज एनिमे. जगह नहीं दे रहा यहाँ कुछ, तो ये बोला बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है. Welcome to the first episode of the podcast for real and soon to be the number one podcast in the world. Yeah, which is. Joe Rogan who? Yeah. So today some log baat karne wale hai about teen and their problems. Teenage problems aur teenage mein jo problems face hote hain wo sab uske bare mein hum log baat karne wale hain aaj. Daksh Machai. Tandilali Tandan. Cut. किससे बताना शुरू कर तेरे जो बुली वाले जो किस्से थे वैसे वाला. हाँ वो तो मैं बचपन से मेरा लड़कों से ज्यादा बनता नहीं है, मतलब स्कूल में क्लास पे सब सेम लाइन है चला सबका, सब ज्यादा लड़के से ही बात करता था. तो फिर लड़कों को पता नहीं छेड़ होती पता नहीं, तो वो लोग मेरे को इन्वॉल्व नहीं करते थे बहुत, और मेरे को ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना था, पर उनने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया मेरे को इन्वॉल्व करने का. वो लोग मेरे को ट्राई करते थे कि मेरे को अलग लगे, पर ठीक है अभी इतना नहीं होता, अभी लड़के दोनों लड़के तो लड़के विदाउट अभी ठीक है. लड़का भी टिट्स बिटा रहा है, लड़का भी टिट्स. अच्छा दूध पी ले. ओके प्रोटीन प्रोटीन यस. और किस साथ क्या हुआ? मेरे साथ सेम था बेसिकली, मतलब मेरे को बुली तो कभी किसी ने किया ही नहीं है. एक्टिविटीज में था मेनली, हाँ ये है कि जलन और इनसिक्योरिटी दूसरे लोगों को ज़्यादा थी, जैसे तूने बताया अभी वो चीज़ पे ज़्यादा लोगों को थी, क्योंकि बहुत 90% ऑफ द फ्रेंड्स जो भी थे वो हमेशा हाई बाय फ्रेंड्स ही रहे, कोई भी ऐसा इन डेप्थ वाला अरे राइड और डाई वाला कोई ऐसा नहीं रहा कि अरे भाई 20 साल की दोस्ती है. खैर इतने ही तो है, उम्र भी नहीं है, बट ये जनरली ऐसा 7-8 साल का दोस्ती हुआ वैसा. पुराने स्कूल के दोस्त बहुत सारे हैं, बट कोई भी ऐसा अरे जिगरी जिगरी टाइप नहीं बोल सकते, मतलब अगर लफड़े में कहीं अटक गया तो मेरे को सोचना पड़ेगा किसको कॉल करूँ वैसा वाला प्रॉब्लम है. तो मेन इनसिक्योरिटीज़ की वजह से बहुत लफड़े होते थे पहले भी कि अरे तूने वैसे. बट लाइक टचवुड दूसरे स्कूल के अलावा, मतलब जितने लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं ये सब चीज़ों में बुलिंग और ये सब से, मेरे को उतनी ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि मैं हमेशा फोकस मेरा अपने इस पे ही था कि मेरे को क्या करना है विथ डांसिंग विथ आर्ट विथ एवरीथिंग रिलेटेड टू एक्टिविटीज़, ये सब में ज़्यादा हमेशा इंक्लाइन था मेरा. तो मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं कि कौन मेरे को बुली कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. लफड़े तो वो तो हर लड़के लड़की की ज़िंदगी में होते ही हैं, दैट इज़ देयर. मेरा लाइक अनलाइक them, मेरा लाइक आई हैव बीन द रिसीवर एंड द विक्टम एंड द बुली, पर ज़्यादा करके दोनों में कुछ भी नहीं था. सो आई हैव बीन स्किनी एंड शॉर्ट माई होल लाइफ ऑफकोर्स, एंड और हंसते क्या ये, बस यही नहीं कर रहा है. या सो आई हैव बीन शॉर्ट एंड स्किनी माई होल लाइफ, सो लाइक बहुत लोग छिड़ाते थे, बट आई वॉज इन अ ग्रुप जो मोस्ट ऑफ लफड़ा करता था. आई वॉज इन अ फुटबॉल टीम, सो ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में जो फुटबॉल टीम है दैट इज द मोस्ट टेस्टोस्टेरोन ज्यादा था सबसे. तो कोई भी लाइक डार्क स्किन, इवन डार्क स्किन के लिए तो बाप रे इतने वो तो अनवांटेड. वहां फिर
इसका टोन बहुत लाइट है, लिटरली बहुत लाइट है. उसके बाद भी बहुत लोग अरे तू ऐसा है, अरे तू ऐसा है, इनसिक्योरिटी. मेरे को इसके कंपैरिजन में दूसरे जो भी मैंने मेरे फ्रेंड्स देखे हैं जो इसके टोन के होंगे या जो भी, या इसके लाइट इससे लाइटर होंगे, इससे डार्कर होंगे, उससे मतलब उनका इनसिक्योरिटीज उनका ज़्यादा रहता था टोन को लेके दैन इसका. मैंने इसको कभी भी ऐसा स्किन टोन को लेके रोते हुए नहीं देखा है कि अरे मेरे को इसने ऐसा ऐसा बोल दिया. बहुत लोग पता नहीं वो स्किन टोन को लेके इतने सारे लोग हैं जो मतलब ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ऐसा परेशानी में हो जाते हैं कि अरे मेरे को इसने बोल दिया, मतलब बाहर जाने के लिए चार बार सोचेंगे कि हम लोग बाहर जाएं कि नहीं जाएं बिकॉज ऑफ द स्किन टोन. अरे ये क्या जज करेगा, वो क्या जज करेगा. इसका वैसा नहीं रहा है टचवुड, विच इज गुड. तो द मेन थिंग इज कि टीचर्स को भी समझ पाता है कि व्हेन टू लाइक नॉट बुली द चाइल्ड, नॉट क्रॉस द लाइन. तो देयर वाज दिस टाइम मैं जा रहा था, लाइक बस इज था हम लोग का, तो आई वाज जस्ट गोइंग होम, स्कूल का छुट्टी का सब लोग जा रहे हैं. एंड जो प्यून था वो रुकाता है मेरे को एंड ही इज लाइक कि मेरे को हेल्प चाहिए विद लाइक पिकिंग अप द चेयर्स एंड फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाने का था. लाइक मंच ऑफ बॉयज थे, 5-10 बॉयज. तो मैं क्या पीछे रुका था, मैं थोड़ा सा हाथ दे दिया, ऊपर जाके रख दिया और रख दिया, सब हो गया. फिर मैं आ रहा था तो दिस आई रैन इन टू दिस टीचर एंड शी वॉज लाइक कि तू क्या कर रहा है इधर. मैं बोला मैं भी हेल्प कर रहा था. बोले को बोला तूने क्या ही हेल्प किया होगा ऐसा ऐसा. तो बट लाइक दैट इज रियली स्मॉल थिंग बट अफेक्ट करता है लोगों को, विच द टीचर्स द पेरेंट्स द फैमिली फ्रेंड्स सबको देखना चाहिए कि दैट शुडंट अफेक्ट व्हाटएवर यू आर सेइंग शुडंट अफेक्ट द अदर पर्सन. ऑल्सो शुड नॉट क्रॉस द लाइन. जितना मस्ती कर रहे हो ठीक है, दैट इज वेल एंड गुड. हर एक को मतलब ऐसा सीरियस रखे रहने में क्या ही मजा है. बट इन जनरली ऑल्सो लेवल ऑफ बिलो द बेल्ट जितना जाना है, दैट इज दैट शुड बी known to people. Said, yeah. Like, you should not hurt feelings. Yes. फिर और कोई है? तेरा और क्या? मेरे साथ bullies. Teachers का कुछ? Teachers का नहीं होगा. मैं मेरा बचपन से पैर में problem है and मैं football team में हूँ फिर भी. ये मेरा problem के बगैर भी मैं खेल लेता हूँ अच्छा, पर फिर भी लोग मेरे को जितना मेरे को respect मिलना चाहिए उसके लिए या जितना मेरे को encouragement मिलना चाहिए मेरे को कभी मिला नहीं है. मेरे को हमेशा एक अच्छी भी चीज है उसमें कि मेरे को हमेशा वो लोग normally कहते हैं, पर फिर भी मेरे को थोड़ा सा recognition मेरे हिसाब से ज्यादा मिलना चाहिए उसके लिए कि जिससे मैं खेल पाता हूँ मेरे पैर की वजह से. कोई और तो मेरे को नहीं लगता खेल पाएगा इतना. पर मेरे को बहुत मतलब फुटबॉल टीम में बहुत बोला, पर ठीक है मेरे को अभी फर्क पड़ना बंद हो गया. पहले पड़ता था थोड़ा बहुत, फैमिली को जब मालूम पड़ा कि मेरे साथ ऐसे बोलते थे तो वो लोग को बहुत बुरा पड़ा, पर ठीक है अभी इतना किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने भी उनको रॉन्ग प्रूफ कर चुका कि अच्छा खेल के. इनफैक्ट तू तेरा ज्यादा क्या बोलते हैं, तेरा ज्यादा वो चीज को लेके नहीं बैठना उनके लिए ज्यादा इजी हो गया होगा, तेरे पेरेंट्स के लिए और घर वालों के लिए. तो वो लोग जितना प्रेशर ले रहे थे वो इससे कट डाउन हो गया और फिल्टर हो गया क्योंकि तूने वैसा रिवर्ट करना बंद कर दिया कि वो लोग उधर ही वो जो क्या बोलते हैं उसको जो रूमर्स और ये सब थे तूने वहीं पर ही ब्लॉक कर दिए. तो उनका जो मेंटालिटी है वो तो माँ बाप के जैसे ही सोचेंगे, अरे बाहर जाओ तो भी चार बार सोचेंगे कि अरे क्या हो गया ये नहीं होने फोन नहीं उठाया दो बार. तो बट जनरल जो उनका वो था वो तूने ब्लॉक कर दिया बिकॉज यू हैड योर कॉन्फिडेंस कि यू वुड डू गुड दैन जनरल पीपल. बहुत लोग तो मतलब प्रॉपर एबिलिटीज होने के बाद भी वो आगे नहीं जाते हैं. तू मतलब ज़्यादा वो चीज़ को नहीं स्किप करके तूने ज़्यादा किया, दैट इज like the bigger main part. Yeah. Or the thing that I believe is what like unbelievable ki where did the people get the nerve, like strangers bhi aake kuch bhi bol denge, like they don't think twice ki kya hai. I know there was this neighbor of ours, mera beech mein naak pierced tha aur koi to function tha ghar pe ghar pe aayi wo और यू लाइक ऐसे हो सब सब. फिर मम्मी की फ्रेंड टाइप है तो फ्रेंड भी कहाँ है वो तो मतलब लाइक बात करते हैं और अक्वेंटेंस है बेसिकली अक्वेंटेंस है वो. तो आई और उसने भी नाक पे देखा कि देयर इज लाइक पियर्सिंग किया हुआ नाक है. सो उसको लाइक वो फैदम नहीं कर पा रही थी कि ये क्या हो गया, क्या कर लिया इसने.
तो वो बोल रही थी, मम्मी को बोलते हैं कि ये छक्का तो नहीं है. नहीं नहीं, दिस इज पैशन, आई जस्ट ड्रेस गुड. और या लाइक कोई स्ट्रेंजर्स ने आपको आगे, वही है, मेरे को भी बचपन से वही लगा कि लाइक मेरे को एंगर इश्यूज है, ठीक है, और मैं कभी कभी गुस्से में आता हूं तो मैं भी किसी पे चला दूंगा. पर मेरे को थोड़े टाइम पहले से लगा थोड़ा बहुत अंदर से कि एक बार मैं लाइक ड्राइव कर रहा था और सामने गलती उसकी थी सामने वाले की, क्योंकि वो मेरे रॉन्ग साइड से आ रहा था, मेरे को ठोकने वाला, पर उसने फिर मेरे को चला दिया बहुत. और मैं पहले ही बहुत मेरा खराब दिन चालू था, कुछ तो मेरे को भी याद नहीं क्या हुआ था, तो बहुत खराब दिन चालू है. और तो उसने मेरे पे चलाया और मेरा लाइक एकदम सैड हो गया था कि लाइक अगर मेरे को थोड़ा और भी कुछ बोल देता तो मैं शायद रो देता. पर मैं उस टाइम से समझ गया कि अभी उसको थोड़ी मालूम था कि मेरे साथ वैसा हुआ था, अभी उसका भी खराब मूड होगा तो उसने बोल दिया, अभी मैं भी कभी जा रहा हूँ, मैं कभी गुस्से में हूँ, मैं भी वही बोलूंगा. तो बात हुई कि हम भी किसी को जज नहीं कर सकते सिर्फ अपीयरेंस के ऊपर, लाइक उसके ऊपर. एग्जैक्टली वही कि वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन कि वो जो दूसरा बंदे जिसको हम बोल रहे हैं उसका भी खराब दिन जा सकता है. एंड बहुत लोग वो टेंड टू कुछ भी बोल देंगे मुंह पे, ठीक है क्या है, उसको तो बहुत लोग ने बोला होगा ऐसा वैसा. किसको लाइक किसको भी अगर कोई बोलते जाएंगे कि पहली बार बोल रहा है उसको, पहली बार, दैट इज नॉट द थिंकिंग वी आर. नहीं वही हो जाता है ना, अगर अभी जैसे तूने बोला कि अरे इसको तो बहुत लोगों ने बोला होगा वैसे ही जनरली, तो मतलब अगर इसको जनरली बोला है तो उसको, हाँ एग्जैक्टली, वो आगे बढ़ाना थोड़ी है, यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अरे इसको तो बहुत लोगों ने बोला मैं भी बोल दूंगा क्या फर्क पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट ब्लॉक एंड बीइंग द ब्लॉक एज अ पर्सन कि नहीं अभी इसको बहुत लोगों ने बोला है तो मैं नहीं बोलूंगा, टू स्टॉप दैट, टू गिव दैट पॉजिटिविटी कि अरे नहीं भाई तू सही लग रहा है, अरे तेरा नोज पियर्सिंग अच्छा लग रहा है, अरे तू फुटबॉल अच्छा खेल रहा है, समथिंग लाइक दैट. वैसा पीपल लाइक जो इंडिविजुअली है वो खुद को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे पीपल डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ओनली यू डू, लाइक यू आर द ओनली पर्सन दैट यू आर विद सिंस यू आर बॉर्न. कोई भी इतना क्लोज नहीं होगा जितना आप खुद से होगे. तो नहीं, बट वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ये जो एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, वो मेरे को अभी तक नहीं आता है. मतलब द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ योर ओन सेल्फ इज अ ह्यूज डील फॉर मी कि अरे मैं अकेला जाके क्या करूँगा, मैं तो बोर हो जाऊँगा. मतलब इफ यू टेल मी टू सिट 15-20 मिनट्स अलोन इन अ अलोन इन जनरली, बाहर भी हो गया या कुछ भी हो गया, तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग मैं ओवर थिंकिंग में चले जाऊँगा कि अरे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, वो सिनेरियोज आना शुरू हो जाएंगे. So instead of accepting ki are chalo theek hai, now I've learned after a lot of things that have happened uski wajah se kafi kuch seekhne mila hai, but now after like 24-25 years of like spending the life that I had, uske baad mere ko abhi samajh mein aaya to how to like start abhi, even if I have accepted that is like hardly 5-10% of my मेंटल स्टेट की आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ. मेरे को अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो खुद में एक्सेप्ट करनी है. चेंज तो ठीक है, चेंज तो बहुत दूर की बात हो गई, एक्सेप्ट ही नहीं की है कि अरे ये चीज में, ये मेरे में भी है, फ्लॉज है, ये मेरे में अच्छाई है, ये सब मेरा एक्सेप्टेंस ही अभी तक वो है मेरा उसका क्वेश्चन में अभी तक बहुत. मेरे साथ भी लाइक वैसा ही होता है कि अभी मैं दूसरों को झूठ झूठ का भी बोलता हूँ, ठीक है, बोलते होते ना मेरा खुद को भी झूठ बोल देता हूँ. मैं वो झूठ अगर कुछ बोल रहा हूँ किसी को तो मैं वो कैरेक्टर में घुस जाऊंगा कि मैं खुद भी वही सोचने लगूंगा कि ठीक है मैंने तो वही किया है अगर मैं किसी को झूठ बोल रहा हूँ तो. और वो मेरे से भी खुद कभी खुद के बारे में एक्सेप्ट नहीं हो जाता. दैट इज द थिंग ना कि अगर लाइक यू आर द ओनली वन दैट नोज योरसेल्फ, अगर तू खुद से झूठ बोलेगा तो फिर क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ. वो तो उधर दिखा ना कैमरा पे दिखा कार्टून नहीं है. Except that this is not cartoon, this is anime. Yeah, except with this. Start with this. बोलिए. चलो. और what else? और drug use. दादी बहुत दवाई खाती है. Drug use.
दिस इज अ रियली टफ टॉपिक टू स्पीक अपॉन, क्योंकि अगर हम लोग के लाइफ में रिलेवेंस ही है नहीं, वही रिलेवेंस नहीं है ऑफ कोर्स, मैं मतलब दूसरे के बोल रहे हैं वही खुद से झूठ नहीं बोल रहा अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट कर लिया कि लाइक देयर इज दिस ट्रेंड ऑफ माइन जो लाइक इनटू दिस है कि गांजा पिएगा ये करेगा वो करेगा, उसको होप ही नहीं है बंदे को लाइक व्हाट इज द थिंग ही इज लिविंग फॉर उसको मालूम ही नहीं है. तो या कि दिस इज द बॉब मार्ली बॉब मार्ली वे आई डोंट नो वो बहुत लाइक ही वुड रादर प्रेफर टू बी डेड देन बीइंग अलाइव. ओह दैट इज टू फार टू फार. सो लाइक उसको फर्क ही नहीं पड़ता. That not is good. Deep podcast. Yeah, this is the this is we'll talk about that somewhere. Sometime later. Yeah. Later. Peer pressure. तो बस ये इतना ही drugs का इतना ही था. कुछ नहीं है. देखते ना बाद में कुछ ज़्यादा है तो फिर डाल देंगे उसमें. नहीं topic पे बात करेगा तो आगे आगे आता जाएगा ना. तू बता तेरा कुछ ऐसा है तो. कोई भी नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं. मैं खुश हो गया था एक बार, मेरे को जब मालूम पड़े कि मेरा कोई दोस्त का दोस्त करता है और मेरा एक भी दोस्त करता ही नहीं है. और अच्छी बात ही है, टच हुई मतलब अच्छी बात है, कोई करे भी नहीं. बहुत क्लीन लोग है यार तुम. आप बता दो फिर. नहीं पकड़ी पुलिस. हम हमारे घर नहीं हो. कंट्रोवर्सी टेरे 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 बालाजी फिल्म. बालाजी फिल्म डॉन आएगा शाहरुख खान. इधर से वो तेरा ऑडियो रिकॉर्ड करके ऐसा ऊपर हेलीकॉप्टर से इसको पकड़ो, स्वॉट टीम भेजेगा. मतलब क्या इस पे क्या बात करना है? ड्रग्स एज इन व्हाट की यूज कर रहे हो? व्हाई वुड यू इवन गो टू समवेयर लाइक दैट आपको मालूम है कि दैट विल ड्रग्स. लाइक मैं रिलेटेड बात आता था, ठीक है. तो मेरी एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा. तो ऑफ कोर्स तो उसने शो देखा व्हाट्सएप पे यूफोरिया, एंड इट इज सोली बेस्ड ऑन ड्रग यूज. कि जंडा आया पूरा टाइम जो उसमें ड्रग यूज कर लिया. एंड मैंने वो देखा नहीं है, पर मेरी फ्रेंड मेरे को बता रही थी. एंड बोलते बोलते बताते बताते उसने बोला कि इट इज जस्टिफाइड फॉर हर टू यूज ड्रग्स. हाउ इज इट जस्टिफाइड? बोला कि उसका पास्ट बहुत डार्क था, इमोशनल ट्रॉमा था, तो इट्स फाइन टू डू ड्रग्स. बट मैं टोटली डिसएग्री, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से देख, तेरा भी कुछ ना कुछ पास्ट में होगा जो डार्क होगा, आपका होगा, मेरा होगा. अभी सबका लिमिट अलग होता है, सीधा बात है. अभी थोड़े लोग होते हैं जिसको तुमने पागल भी बोल दिया तो उन लोग का पूरा दिन खराब हो जाएगा. और थोड़े लोग है तुमको उसको कितना भी बुली करो, टॉर्चर करो, पर उनको ब्रेक नहीं होगा, उनके लिए ठीक है, नॉर्मल है. तो सबका लेवल अलग ही है. एंड तुम बोल नहीं सकते कि उसने जो ट्रॉमा सहा है वो तुमसे ज्यादा है. पर मेन पॉइंट वही था कि उसने बोला कि ड्रग्स करना उसके लिए जस्टिफाइड है, कि वो कभी भी मेरे हिसाब से नहीं होगा. ड्रग्स क्या, दैट इज लाइक पुटिंग अ टेंपरेरी एंड टू योर प्रॉब्लम्स एंड नॉट एक्सेप्टिंग इट. दैट इज द थिंग, कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपने प्रॉब्लम्स को कि लाइक वो हो गया वो सब, और अभी यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ. अगर यू आर क्लिंगिंग टू दैट तो ड्रग्स कैसे आपको दूसरा ये कर लेंगे कि लाइक आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द टेंपरेरी फोकस शिफ्टर है बेसिकली. तो दूसरा बट इसका एक पॉइंट पर बोलूंगा कि मतलब सॉल्यूशन ड्रग्स नहीं है. मतलब ड्रग्स भी दैट टू वो हार्डकोर ड्रग्स में थी, मतलब पिल्स और पाउडर ये वो सब में थी. उसका मतलब पूरा बेसिकली अगर जिसने भी यूफोरिया देखा होगा उसमें वो पूरा उसमें वही दिखा रहे थे कि पाउडर और ये और वो ये वो सब बेसिकली वही था. बट उसका रादर गुड ऑप्शन कुड बी थेरेपी, क्योंकि उसमें दिखाया था उसका बाप ये था, मर गया था और वो उसको मिस करती थी या क्या. बट देयर समटाइम्स अगेन वो कम्स डाउन टू एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसने वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की थी कि उसके फादर अभी नहीं है उसके साथ या क्या. बिकॉज ऑफ दैट वो वैसा उस पर उसका साइड ट्रैक हो गया कि she was more inclined to taking drugs than going to therapy. पूरे basically वो पूरे family में उसमें दिखाया कि किसी से वो close थी नहीं, उसकी बहन से नहीं थी और उसकी mom से नहीं थी. but basically वही अगर accept करके अगर वो therapy लेती या कुछ ऐसा करती कि जिससे at least कोई एक friend उसके बाद में जब वो friend आ गई थी उसकी Jules उसमें जब आई थी वो time पे उसका पूरा
एग्जैक्टली हाँ, तो मतलब वो पूरा फेज जो था एक्सेप्ट करके किसी को बताना, और उसका बेसिकली वो लोनर थी पूरे पूरे इसमें वही दिखाया था कि लोनर, तो बेसिकली अ पर्सन हु लाइक हैज अनदर पर्सन टू शेयर विद और यूज इट एज अ थेरेपी लाइक वर्क्स अ लॉट इन माय ओपिनियन आल्सो, क्योंकि आई हैव बीन देयर इन दैट स्पेस जब मेरे पास लिटरली जीरो फ्रेंड्स थे, जब आई हैड लिटरली नो पीपल whom I used to talk to, पूरा दिन एक ही घर पे बैठो चार दीवारों में वही सेम सेम चीज़ें करो सेम रूटीन में रहो, तो मतलब लाइक इवन इफ यू हैव वन फ्रेंड हु कुड लिटरली मेक यू हियर और जस्ट एक्नॉलेज कि अरे यार ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है आगे बढ़ जाएंगे इससे यू विल मूव ऑन या क्या, जस्ट एक अश्योरेंस देने के लिए भी कोई रहेगा ना, तो दैट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. Which in this इस केस में जो था वो Zendaya केस में दिखाया कि जूल्स आई और फिर उसका सिमिलरली आई कुड लिटरली रिलेट टू दैट इवन नाउ, क्योंकि बिकॉज सम लाइक सम सिचुएशंस हैव हैपेंड इन द पास्ट जिसकी वजह से नाउ आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ लाइक उसको मैं अगर अभी भी फ़ोन करूँ तो शील पिक अप शील भी लाइक अरे नहीं यार तू कुछ भी मेरे को बता आई एम देयर ऐसा वैसा, तो जस्ट बींग लाइक हियरिंग समवन could be a huge deal for the other person, उसको क्या लगेगा अरे हाँ हम तो सुन ही रहे हैं कौन सी बड़ी बात है, बट बहुत बार ऐसा एक्नॉलेज करने में नहीं होता है कि when you are just listening, basically just listening, that also makes a huge impact on the other person's life. That is mainly the whole point of it. Therapy makes a huge difference. कोई भी लाइक कोई भी एज ग्रुप के लिए लाइक एवरी वन इज इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट कि एवरी वन इज लाइक बताएंगे तो विल विल कम ऑफ एज वीक दैट इज नॉट ट्रू और मैड इवन मतलब वो टैग लग जाएगा उस पे कि अरे ये तो पागल है, बट लाइक पीपल नीड टू रियलाइज कि वो जज करने नहीं बैठा एग्जैक्टली और इवन इफ हां वो अगेन इट कम्स डाउन टू एक्सेप्टेंस कि मतलब अगर बेसिकली वो पूरा ये पॉडकास्ट इज अबाउट एक्सेप्टेंस ओनली, तीन टॉपिक हम लोग एपिसोड 1 एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस जस्ट एक्सेप्टेंस भाई, मतलब वो एक वर्ड में ही पूरा ऑलमोस्ट 40 बार बड़बड़ कर चुके हैं. हां बेसिकली तो सो एवरीवन हु इज नॉट इन ऑन थेरेपी शुड ऑप्ट फॉर इट या ट्राई. And ये actually, और even if अगर उसके लिए पैसा नहीं है तो just go to a friend और उसको बोल कि भाई इधर आ या big friends please don't be a loner bloody not a sponsored video. मैं अगर future पे हो गया तो मेरे पास आ जाओ. I am a psychology student to be psychology student तो चालू है video. फ्यूचर के लिए स्पॉन्सर्ड बेटा मटाई साइकेट्रिस्ट मटाई एंड एसोसिएट्स उसमें सब आ गया, लॉ भी आ गया और तुम्हारा साइकोलॉजी भी आ गया सब आ गया, क्राइम करके आ रहे हो इधर आओ इधर अगर बात करने के लिए इधर आओ विक्टिम को इधर भेजो. तो यही यूफोरिया में ही हम लोग का 3-4 टॉपिक ये हो जाता है डिप्रेशन बुलिंग सेक्सुअल एक्टिविटी बेसिकली वो पूरा यूफोरिया का जो पूरा वो जो सीन था वो था ही ऑन टीनेज और टीनेज प्रॉब्लम्स एंड स्टफ लाइक दैट एक्सेप्टेंस या लाइक वो Zendaya जो थी वो लाइक लोनर थी सो लाइक शी वाजंट द हर फ्रेंड वाजंट एक्सेप्टिंग हर और शी वाजंट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट इट्स ओके टू बी अलोन फॉर सम व्हाइल और अगर नहीं भी सो इफ यू मेक फ्रेंड्स यू कैन टॉक टू देम एंड इफ यू आर अ फ्रेंड like you should make the person feel safe to talk to you. Yeah, that is there. Even if matlab nahi but still again bahut logo ko aisa hai ki are akele ho gaye hain aisa waisa wo log ko ye nahi hai ki are akela jaise maine abhi bataya ki maine khud ko hi abhi tak wo level tak nahi pahuncha hu ki where I can be like pura din main khud ke sath bitaunga to mere ko koi problem nahi hoga. I would be like, भाई ये क्या कर रहा हूँ, दो घंटे में मेरे को realize होगा, oh shit, ये क्या चल रहा है? अब मैं तो literally अकेला ही घूम रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ या क्या? मतलब But people need to understand whatever is happening in your life, अगर good or bad, it's temporary, it's some in some way like yeah, it's a phase exactly. Not homophobic, but it's a phase. Yeah, तो अगर कुछ भी है, that will go away in some while. It takes time. कुछ भी होगा, it will take time.
बट इवेंचुअली सब ठीक हो जाता है. दैट इज द पीपल, दैट इज द फैक्ट दैट पीपल नीड टू एक्सेप्ट अगेन. अल्कोहल चार तीन चार सालों के बाद थेरेपी के लिए इसके पास आ सकते हो. नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी है इसके इंस्टाग्राम की. और लॉ रिलेटेड कुछ अगर टैक्स रिलेटेड तकलीफ है तो मेरे पास लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन तू भी बता दे. कंप्यूटर साइंस मैं नहीं लाइफ कंप्यूटर खराब हो गया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में. बंद कर दे कंप्यूटर साइंस का. अरे अरे बिजनेस तो कोई बड़ा नहीं, तू समझ रहा है. अगर सरनेम पसंद आ गया तो इसके पास शादी कर लो, सरनेम आपको हो जाएगा. वो क्या उसको क्या बोलते हैं, सेंड रिश्ता. सेंड रिश्ता फॉर हिम मणन मणन लड़े. और पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर गुड और बैड. मेरे को मेरा तो सबसे बड़ा प्रेशर यही है. ये इतना कन्वेंसिंग कि भाई मम्मी देखो ये ऐसा ऐसा है, इसका ऐसा ऐसा है और लेके जा रहा हूँ मैं. देखो खुद का थ्रेशोल्ड अच्छा रखो, गलती पे सामने नहीं, क्योंकि कभी पीयर प्रेशर ही नहीं आएगा. एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि तुम थ्रेशोल्ड तुम्हारा अच्छा है. पीयर प्रेशर इज बोथ गुड एंड बैड लाइक एवरीथिंग एल्स इन आवर लाइफ. हियर मनन इज काइंड ऑफ गुड काइंड ऑफ बैड. मनन इज आल्सो लाइक अ पीयर प्रेशर. मनन इज बेसिकली वॉकिंग ह्यूमन वर्जन ऑफ पीयर प्रेशर. इसको पीयर प्रेशर की टी-शर्ट पहन के घूमने चाहिए. ह्यूमन वर्जन पीयर प्रेशर. Manan is bad for money. If you have money, please don't come here. CA तो इसके पास बिल्कुल ही ऐसा, अगर in case CA अगर बन गया तो इसके पास नहीं आना. ये खर्चा कैसे करना है वो बताएगा. वो तो खैर मैं भी बताऊंगा, वो अलग बात है. सबको ही मैं पर बहुत बचाने का कोशिश करता हूँ. कोशिश करता है, कोशिश तो अपने लिए कर लेगा, दूसरे के लिए खर्चा करवा लेगा. निकालो. You are responsible for your own self. Acceptance. Peer pressure. What is the worst thing you've done? Like peer pressure में आके. मेरे लिए सबसे मुश्किल था fight. ठीक है. भी मैं बचपन से कभी fight लफड़ा जैसे कभी झूठ कभी भी नहीं किया. कभी सही में कभी किसी से ना अटका ना कुछ. मतलब कभी अटका तो फिर मैंने बस सॉरी बोल के निकल गया, सही मेरी गलती हो नहीं हो. पर बाय द टाइम मेरे को खुद को भी रियलाइज हुआ कि सॉरी बोलना अगर गलती नहीं है तो क्यों बोलूं. ठीक है, वो ईगो असाइड. पर दूसरे लोग मेरे को फिर बोलते थे कि तू छोड़ क्यों देता है, वो तेरे को इतना कर रहे हैं, ये लोग तेरे को बोल रहे हैं, तू क्यों छोड़ देता है, तू लड़ना, हम लोग तेरे साथ है, तू लड़, तू फाइट कर. तो उसके वजह से मैं एक दो बार हुआ है. पर मेरे दोस्तों ने बोला कि चल तेरे को कुछ वो बोलेगा तो चल हमारे साथ, कुछ भी बोलेगा हम लोग है पीछे. तो ठीक है हम लोग तीन जन गए, पर उधर से छह गए थे ना. मैं तो झड़ दिया बट उधर लोग ज्यादा थे. हाँ, और फिर ये लोग गायब हो गए. ओह शिट, दैट इज वर्स्ट. दैट इज सैड. सैड वो लोग भी डर गए और मैं सिर्फ चिल्लाता रहा. तो वो लोग ने मारा तेरे को? नहीं, पर लाइक वार्निंग देके छोड़ गया था. बच गया पर स्टिल लाइक मैं कभी वैसे था ही नहीं तो मेरे को कुछ ना मारना आता. नहीं लड़की वड़की में पढ़ने नहीं आता. लड़की का मैटर इज द वर्स्ट मैटर यू कैन गेट इन. तो यहाँ पे ये पूरे इस पे सिटी में अगर तू देखेगा ना, मैं एक साल यहाँ पे कॉलेज मेरा कंप्लीट किया है, तो पूरे इसमें जितने भी झगड़े वो होते थे या हुए थे, जितने भी मेरे तो नहीं हुए हैं टच वुड विद दैट, बट जितने भी जिनके भी हुए थे ना, कोई भी अगर उसका जो भी कोई भी अगर ऑडियंस भी देख रहा होगा उसमें, तो किसी से भी उठा के पूछ ले, लड़की के मैटर में कोई मतलब बहुत एकदम जिगरी एकदम बहुत सालों से दोस्त है, बहुत ये है बहुत वो है, उसके बाद आएगा वो भी 100 बार बोलने के बाद. मतलब इन जनरली वो लड़की का कुछ अगर रिलेटेड मैटर है तो बहुत लोग कम हाथ डालते हैं. ये मैंने अपने मेरे 11th में सीख लिया था बहुत टाइम में.
उसके बाद में मैं उसके बाद में सुधरा नहीं, बट वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट. पॉडकास्ट फॉर ईयर प्लस प्राइवेट मेंबरशिप. हां यस यस, दिस इज द थिंग कि सब लोग का ये बोलने की वजह से कि हां ऐसा ऐसा पीपल आर एक्चुअली डूइंग दैट. अभी इधर ही कोई दो क्लासेस है उस पे दो लड़कियों का मैटर हो गया, लाइक छोटे बहुत कम बहुत छोटा रीजन की वो जगह नहीं दे रहा या कुछ. तो ये बोला बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है. अरे नहीं बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोल ले बहुत जगह है. अरे तो ऐसा कुछ तो है ना, बोला क्या बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है, अरे नहीं जगह है. हाँ तो ये हो गया. एंड देयर लाइक आ जा मारूंगा रिसेस में, आ जा तू रिसेस आएगी ना सब ब्रेक में, आ जा मारूंगा जोर से. तो लाइक देवर रिसेस थोड़ा थोड़ा मार रहे थे मार रहे थे. फिर उसके दोस्त लोग आए अलग किया, फिर उसके ईगो पे आ गया बात कि भाई मेरे को कैसे मारा. और उसने क्या किया, किचन निकाल के उसके गले में डाल दिया और उसका नर्व बर्स्ट हो गया, मर गया. मर गया, अभी क्रिटिकल में है वो. कुछ रिसेंट का ही बात है, आई डोंट नो कि उसको क्या हुआ क्या होएगा वो भी नहीं मालूम है. I heard a friend talking about that. Friend. Yeah. So, like this is the cool thing ki haan bhai matter atter ho gaya, meko bata dena, main aa jaunga. Ye matter atter ke chakkar mein matlab ye to theek hai, matlab chalo londe ek dusre ko ye karte hain, haan are tu aa ja ye wo, but wo matlab agar gusse pe control nahi hai to मत जाओ भाई. तुमको अगर पता है कि तुमको तुम में कंट्रोल नहीं है तो आगे मत जाओ, क्योंकि ये फिर ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं. वो नर्व बस्ट हो गया, ये तो नसीब से बेचारा बंदा बच गया या जो भी, या क्या पता नहीं क्रिटिकल में है या क्या. इन केस अगर वो मर जाता, वो पूरा फिर वो जूवी में उसका उधर जाना पड़ता था, फिर उसके जो जिसका लड़का मर गया उसके माँ बाप के ऊपर क्या जाएगा. हम लोग का जो एज सच कुछ है नहीं, यहाँ वहाँ निकल जाते साले. अरे वो सॉरी सॉरी, हम लोग थोड़े गुस्से में यहाँ वहाँ निकल जाते, इधर उधर हो जाते, इधर उधर हो जाते हैं. हाँ तो वही कि हम लोगों को भी कोई ऐसे दोस्त मिले नहीं कि हम लोग हाँ तो चल ड्रग्स करेंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे. बट टच वुड, टचिंग वुड सो मेनी टाइम्स, टू मच, टू मेनी, टू मेनी टच, टू मेनी टच, टू मेनी वुड्स, हार्ड वुड्स, टच 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 वुड. ओह गॉड, बीटिंग द बीट. ओह शिट. और कुछ आपका कुछ पीयर प्रेशर था कुछ? वो तो वो मतलब वो मेमोरेबल, वो पूरा अगर मैं ऐसा अनफिल्टर्ड बताऊँ ना, वो तो पूरा किस्सा है बहुत बड़ा उधर तो लफड़ा. पॉडकास्ट फॉर योर प्लस. हाँ ओनली फैंस, ओनली फैंस पे अगर ये नंगियों की पॉडकास्ट करेंगे. वाह पॉडकास्ट करेंगे ऐसा, हेलीकॉप्टर ऐसा हेलीकॉप्टर से इंट्रो करेंगे और उसके बाद फिर ये अनसेंसर्ड चीज़ें लाएंगे कि सब मतलब ऐसा पार्टीज पे हमने इंडिविजुअली क्या क्या किया. लेंस मेजरमेंट ठीक है. एकेडमिक प्रॉब्लम्स, एकेडमिक पीछे होके बैठना कितनी बार बोलो, वो एंगल ब्लॉक हो रहा है, सबका ब्लॉक हो जाएगा. तेरा तेरा ऐसा शक्ल आएगा सिर्फ टकला आएगा पीछे और मेरा भी अटक जाएगा, नहीं आएगा वो भी. साइड साइड एकेडमिक प्रॉब्लम तो कभी रहा ही नहीं है. खैर वो तो मम्मी बोलती थी 90-80 लेके आने का ऐसा वैसा, बट मेरे को पता था अंदर से वो होने वाला है नहीं तो मैं मेरे को जितना हाँ, था मैं हमेशा से उतने में खुश था. अरे वो पांच भाग हैंड राइटिंग 90% मार्क के पेपर में 80% मेरे साथ हुआ था, बट मैंने मेरी मराठी टीचर को प्रूव करके दिखाया था.
वो तो लिटरली ऐसा हाथ ऊपर करके बैठ गई थी कि भाई ये बंदा तो पास ही नहीं होगा, बोलती है पास ही नहीं होगा तू। मैं बोला ठीक है ऐसा वैसा, इन योर फेस, इन योर फेस, मारा नहीं जा। हाँ वो तो वैसे भी देखेगी नहीं, फेस हुई तो ठीक है। बट लाइक बट आफ्टर दिस आई एम एक्सपेक्टिंग अ चेंज। तेरे को बोल रहा है इतनी इतनी टॉपिक की आयरनी कैसे हमने उसके बारे में बता रहे कि ये नहीं करना है और उसी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वही लिटरली वही कर रहे हैं। बकवास आदमी यार ये, नेकलेस पे दोनों पैर चलते हैं। क्या एटलीस्ट मेरे दोनों पैर चलते हैं। ये डार्क डार्क होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। चलो मूविंग ऑन एकेडमिक्स। यहाँ तो मैं बता रहा था पीछे ना यार, मैं बता रहा था कि वो मैम जो थी वो मेरे को बोलती थी कि अरे तू तो पास ही नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर उसके बाद जब मेरे को इसमें टेंथ में 74 समथिंग आया था, if I'm not wrong, नहीं 71 आया था, 71.73, so basically 72 समथिंग कुछ आया था। तो वो उसको मतलब रिजल्ट आने के बाद हम लोग सब लोग वो फेयरवेल के बाद पेपर्स हुए, पेपर्स के बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद हम लोग गए वहाँ पे। तो हम लोग उधर जाके मैंने बोला देखा मैम, और मैं लिटरली बोल के मैम देखा मैं तो पास हो गया ऐसा वैसा। तब बोलते यार ये ऐसा वैसा, ये तो ये लोग ने आज ऐसे ही पार किया, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको, खुद के टीचिंग पे भरोसा नहीं है। मूविंग ऑन। हाँ तो मेरे साथ था ये, लाइक सेम मम्मी है तो एक्सपेक्टेशन तो था कि, और मैं उस पे तो खरा उतरा ना टेंथ में, फिर भी पूरे इसमें घर पे और किसी को नहीं आया था भाई। आर्या को आया होगा, तो वही कि 8 तक सब अच्छा था। सबका 8 के बाद ही सब खराब होने लगता है। तो रिलेशन भी 8 के बाद खराब हो गए। हाँ तो मोस्टली सबका ये होता है कि 8 के बाद सब खराब होता है। तो 9th मेरा सबसे वर्स्ट ईयर था। तो 9th में देयर वाज दिस लाइक कोई तो ये था, और टेस्ट के एक दिन पहले मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं ना क्लास पे जान दिया, मेरा कभी भी क्लासेस था ही नहीं, मैं जितना भी पढ़ा है सब मम्मी पढ़ाती थी और मैं खुद पढ़ा ऐसा है, तो कभी क्लासेस था ही नहीं और मेरे को वो चैप्टर आता ही नहीं था। और उसका पेपर था नेक्स्ट डे पे, मैं उठ ही नहीं रहा हूँ, मैं नहीं नहीं मम्मी नहीं उठने का है, बस आ गई है नीचे, मैं उधर ही बैठा हूँ ऐसा ऐसा, मम्मी उठा रही है मेरे को, उठ जाने का ही है। तो मैं बोला ठीक है गिव अप कर दिया बाद में, ठीक है जाके आते हैं, गए उधर और मैं बोला कि ये पेपर देख रहे वो सब ऐसा वर्ड्स ऊपर से जा रहा, मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं सब टिक कर गया जितना सब टिक कर गया है कुछ भी। फिर लाइक 2-3 डेज में रिजल्ट आया और मेरा जो क्लास का सबसे डम बच्चा था उससे कम आया था, और शी कम्स इन और अनाउंसेस पूरा साथ क्लास के सामने बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। हाँ वो नहीं, बट ये तो मतलब हम लोग के स्कूल में तो ये तो बहुत बेसिक था, वो तो भाई जिल्लत देनी तो है ही। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था ना, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। मैं तो बोल रहा है मतलब मैं गया हूँ ऐसा तो नहीं बोला, इफ यू वांट टू टेक इट टुगेदर। ओह या या तो नहीं वैसा नहीं, बट लाइक मेरा फर्स्ट टाइम था कि उसको बोलने के लिए सीधा कि पूरा क्लास का सबसे अच्छा है और तेरा तू बकवास है। हां तो दैट पर्सन हैज स्कोर्ड 3 मार्क्स
एंड तो सब लोग पागल हो गए कि ये 3 marks कैसे लेके आया. तो सब लोग पूछने लगे हु इज द लीस्ट. दक्ष हैज स्कोर्ड 1 mark ओनली एंड दैट इज द लीस्ट इन द क्लास. मैं वो सब लोग मेरे को देख रहे पीछे ऐसा ऐसा हो रहा उधर पीयर प्रेशर. तो और मेरा ग्रुप जो था पूरा सब टॉपर. वो जो बंदी थी जो मेरे ग्रुप के थी उसको 97 आया 10th में. बंदी थी मेरे ग्रुप में ही थी और कुछ थे. मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं था यार ऐसे क्या बोलते. हाँ तो मालूम है उसके बारे में. मैंने वो दूसरी थी. सब लोग वही थे. दैट वाज द मेन पॉइंट कि सब लोग का अच्छा था. ज्यादा क्लास ही था. अब क्या पूछ रहे हैं. जो जो 3-4 लोग थे वो लोग एकदम टॉपर टॉपर थे. और वो लोग मेरे को पूछ रहे हैं क्या हो गया बट इतना कम कैसे आ गया. बोला कि बेगो क्या मालूम है आ गया हम क्या कर सकते हैं. तो मैं तभी तो एकदम कूल था. फिर ऐसा पढ़ा ही नहीं था. पढ़ता कौन क्या कौन प्लीज तुम लोग पढ़ते हो सो लेम. एल ब्रो एल एल बट वही मेरा पॉइंट है कि द टीचर शुड नॉट लाइक इफ इफ हम लोग अनाउंस भी कर रहे हैं लाइक करना पड़ रहा है उसको तो भी ऐसा एकदम. बट कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि अनाउंस करना ही है. वही अगर करना भी पड़ रहा है तो करना ही है. बाहर भी हाई स्कूल्स में कभी भी वो लोग अनाउंस नहीं करेंगे. बोलते नहीं है. इंडिविजुअल पेपर देते हैं उसके ऊपर लिखा होता है. तुमको जिसको बताना तुम देख लो बाकी. हाँ तुमको बताना है तो तुम बताओ नहीं बताना है अपने पास ही रखो. इट इज ओके. और लोग प्राइवेट में से बात करके पूछेंगे कि समथिंग क्या हो गया. और इवन इफ अगर ऐसा भी करके तो बेसिकली ये मेंटल हैरासमेंट की तरफ हो जाता है. yes. तो इवन इफ अगर ये बाहर के स्कूल के बारे में बात कर रहा है तो इवन इफ अगर वो वहां पे ऐसा कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन कर सकता है कि इसने ऐसा किया है. विच इज इन इन द लिस्ट ऑफ मेंटल हैरासमेंट. मैं आई वाज वाचिंग दिस वीडियो स्कूल ऑफ लाइफ करके गया यूट्यूब पे. बहुत बहुत अच्छा चैनल है. और इट जस्ट टेल्स यू कि क्या होना चाहिए. बहुत अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं लोग. सो देयर वाज दिस वीडियो जिसमें वो बोलते हैं कि लाइक देवर टॉकिंग अबाउट ब्रेकडाउन कि ब्रेकडाउन होता क्या है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इट लाइक लोगों को लगता है वैसा कि अगर वैसा केस नहीं भी है तो भी दे थिंक दैट वे कि ऐसा है. लाइक उसने एग्जाम्पल दिया था कि यू आर इन एन एलिवेटर दैट इज गोइंग अप टू द 20th फ्लोर एंड some guy just walks in and like starts scrolling through his phone. और आपने अगर कुछ ऐसा नया चीज़ ट्राई किया है लाइक अ मोहॉक और फंकी जैकेट जूते ऐसा कुछ भी तो आपका फर्स्ट कैसा हो जाएगा कि वो शायद मेरे बारे में सोच के कैसा सोच रहा होगा वो और वो कुछ और सोचता होगा अगर ऐसा भी हुआ तो. कोई भी अगर आप इन एन एलिवेटर तो आपका कैसा वो आ जाता है कि मेरा एम आई स्पेलिंग बैड और एम आई लुकिंग नाइस. तो वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है कि अगेंस्ट एक्सेप्टेंस किकिंग कि जैसा भी है इट्स गुड इट्स नाइस कि आप अपने खुद को चेंज करने लायक बन जाओ. कि मोस्ट ऑफ द इनसिक्योरिटीज जो है दैट इज फॉर नो रीजन एट ऑल कि मैं मोटी लग रही हूँ मैं मोटा लग रहा हूँ एंड जो भी है. बट अनलेस यू डोंट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ like how can you expect someone else to love you. But mere isme agar ye topic pe baat karenge to mera to ye raha hi nahi kabhi. main agar kapde pehen raha hu mere ko pata hai mere ko log dekh rahe hain aur mere ko se ghanta farak padta hai. exactly very very main se main relate nahi ho mera kyunki mere ko ha andar wala insecurity kabhi nahi ha ki bhai humne ye pehna hai hum aise hi hai tumko dekh rahe ho tum dekhte raho. mere ko se kabhi kabhi hota hai bas bahar ki to farak mere ko padta nahi hai. nahi ab mummy pehle start mein but papa abhi bhi karte hain but mummy to hamesha supportive rahi hai isme kabhi bhi wo nahi kiya ki are ye kyun pehna iske liye hi like one mera thinking aisa hai aur mummy ka thinking aisa hai iske wajah se ki the person I am today wo log ki thinking ki wajah se hi ho raha hai. like I am wearing clothes that are not that normal boys don't like you know opt for. खैर वो तो अभी मतलब अभी आ रहा है. हाँ अभी ट्रेंड में आ चुका है कि इवन इफ गाइस आर गेटिंग क्लोथ्स फ्रॉम द वुमेन सेक्शन बट उसमें मतलब ये तो ये अभी एक्चुअली ये टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि पहले लड़कियां जो थी वो तो लड़कों के सेक्शन से वैसे ही करती थी इन जनरली भी.
मतलब ये तो ट्रेंड अब भी शुरू हुआ है कि लूज टी शर्ट पहन रहे हैं ये वो सब कर रहे हैं वो तो, बट बहुत टाइम से होते ही आ रहा है वो, लड़कों ने अभी शुरू किया मेरे को आया था, मैं हम लोग तीन दोस्त थे, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त थे और तीनों की मम्मियाँ भी अच्छी फ्रेंड थी तीनों, और ओपन डे तो सब साथ में चल रहे हैं, तीनों का लाइन में मार्क्स आया, तीनों का लाइन में, मेरा 67, एक का 68, तीसरे का 69, लाइन में आया तीनों का 69 वाला खुश होगा एटलीस्ट कुछ तो किया बहुत बहुत डांट पड़ा टेंडिंग टेंडिंग बहुत खराब डांट खराब बहुत खराब बहुत बहुत 67 आने में हाँ तो 55-60 तक था नाइन्थ में और देर वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स ओनली कि लाइक मेरा जो ग्रुप था दैट डिडंट स्टडी मच वो घूमेंगे पीयर प्रेशर या तो लाइक वी आर कवरिंग टू टॉपिक्स ना तो वैसा था और मैं भी थोड़ा एक मस्ती करता था ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता था बट मेरे को घर पे जाके वो पढ़ते थे और क्लास में मस्ती करते थे मेरे को क्लास में पढ़ना चाहिए था मैं मस्ती कर उनके सिमिलर ये मेरा भी ऐसे ही था स्कूल में ज्यादा मस्ती करूंगा और क्या दूसरा क्या बता वो वहाँ पे भी नहीं किया नॉट रियली सिमिलर नहीं है मेरा इक्वली सब जगह पे मस्ती किया है तो नाइन्थ तक वैसा था टेंथ भी इवन मेरा जो फर्स्ट हाफ था दैट वाज ओके 70 समथिंग था और जब भी एंड एंड में आया तो दैट तभी का फ्रेंडशिप बहुत लाइक एकदम टॉपर्स के साथ हो गया वी यूज्ड टू सिट देयर ओनली मैं एंड में आके तभी सब जगह से प्रेशर आता है ना लाइक कोई भी रैंडम आंटी भी मिलती है कि हाँ देखो ज़्यादा काम है सो फ्रेंडशिप प्लेज अ रियल बिग रोल एंड थैंकफुली मेरे को कभी कोई ऐसा फ्रेंड नहीं मिला कि दैट विल पुल मी डाउन एकदम क्रैप फ्रेंड्स तुम लोग के स्कूल में पॉपुलेशन ज़्यादा था ना बहुत हम मेरे स्कूल में पॉपुलेशन नहीं था मेरे स्कूल में मुश्किल टेंथ में तो हम लोग 16 बच्चे थे अभी 16 बच्चे टेंथ और नो डिवीजन तो हम लोग का सब साथ में ही रहते थे कोई भी ऐसे बाहर सब साथ में ही पूरा क्लास हमेशा तो टॉपर भी उधर ही है जो पढ़ाई नहीं करता वो भी उधर ही है पर अभी देखा कि टीचर्स भी हम लोग के साथ इन्वॉल्व होगी क्योंकि तभी सब फ्रेंडली हो जाते टीचर से तो सीधा ध्यान जाता है कि टीचर किसी और से ज़्यादा फ्रेंडली है और फिर वो जैसे ये अच्छी जगह का पीयर प्रेशर है कि इसमें मोटिवेशन ही रहता है कि तुम और पढ़ाई करो या कुछ करो अगेन वो पर्सपेक्टिव पे आ जाता है कि हाउ डू यू टेक योर प्रेशर लाइक सम पीपल डोंट कोप अप विद दैट वेल सो लोग सोचेंगे कि टीचर हम लोग की बात क्यों नहीं कर रही है टीचर हमसे क्यों नहीं ज्यादा कर रही है उनसे क्यों ज्यादा हो रहा है पर हम लोग ने अभी ठीक है पढ़ाई किया ज्यादा या वो किया उसके ऊपर ही है बट अभी देखा जाए तो हम लोग के जो एज के हैं वो काफ़ी जो मेरे अक्रॉस आए हैं दैट इज़ गुड ओनली लाइक सब लोग मैच्योर्ड इनफ है टू टॉक टू सब अच्छे हैं बट इफ आई एम लुकिंग एट अ ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू तभी काफ़ी डम बच्चे लोग हैं लाइक दे डोंट नो एनीथिंग कि कुछ भी कर लेंगे ये कर रहा है वो कर रहा है कि लाइक थोड़ा तो वैल्यूज सीखो जिंदगी में करियर हाँ ये एक है करियर का हाँ ये मेन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है आगे जाके लाइफ में हाँ वो मैं भी हूँ इसमें तू अकेला नहीं है मैं मेरे को तो फिलहाल जस्ट बिकॉज पैसे मिल रहे हैं मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ पैसा मोटिव है फिलहाल बट पैशन मोटिव नहीं है वो ही सबसे बड़ा लफड़ा है कि पैशन मोटिव होगा तो पैसे खुद ही आ जाइए उसका प्रॉब्लम नहीं होगा पैशन अरे मतलब मैं लोगों को देखता हूँ ना सब मतलब मेरा दोस्त एक है अभी रैपर है वो कॉलेज का मेरे साथ में था कॉलेज में मेरा जूनियर है वो और अभी लिटरली डिवाइन और इलो के साथ उसका टाइप चल रहा है ड्रामा और ये सब में था तो अचानक से ना रैपर साइड रैपर के लिस्ट में वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगा मैं बोला ये रैपर क्या कर रहा है मतलब ये रैप करके क्या करेगा हाँ और लिखता वॉइस फुल वेरीफाइड भाई डिवाइन फॉलो करता है उसको
ऑलरेडी अपना नाम उसमें बना चुका है वो यंग एज में. अगर तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुमको क्या करना है और अगर फाइनेंशियल पीछे प्रॉब्लम नहीं है तुमको, तुम्हारा चल रहा है, तो यू कैन लिटरली जस्ट बी ऑन दैट कि अरे भाई ये दिख रहा है मेरे को, यहीं से ही जाऊंगा और यही करूंगा. फाइनेंशियल भी वो सेकेंडरी आ जाता है. अभी काम बारी करके रहना रहा तो अभी वो अगर सपोजिंग काम बारी अगर कहीं पे उसको घर वाले बोलते हैं कि अरे भाई पैसा चाहिए पैसा चाहिए ये, खैर वो तो उसके उसके अपने अलग स्ट्रगल्स होंगे, बट कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ बोला होगा या क्या, तो फिर भी मतलब उसको एटलीस्ट वो तो सेकेंडरी आ जाता है, बट उसको एक्नॉलेजमेंट था कि मेरे को पैशन ये है मेरे को इसने में, तो मेरे को इसमें ही जाना है, तो उसको मालूम था कि वो क्या कर रहा है. अभी अगर सपोजिंग फॉर एग्जांपल मैं अपना लूँ, मेरे को 10 चीज़ें आती हैं, 10 चीज़ों में मेरे को पता नहीं है कि कौन सा अच्छा कर सकता हूँ मैं. मेरे को फील गुड 2-4 चीज़ों में होता है, मेरे को पता है इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ. और मतलब एक सर्टन लेवल पे लोग अक्नॉलेज भी करते हैं कि अरे यार ये तो तेरे जैसा कोई नहीं कर पा रहा है ये वो करके, और मतलब वो 3-4 चीज़ों में. तो अभी 3-4 चीज़ों में से मैं एक कौन सा चूज करूँ जिसको आगे लेके जाऊँ, फिर दूसरे वाले आगे करूँ, तो वो उसमें बहुत बड़ा एक हिंडरेंस है. मतलब 4-5 चीज़ें भी आना, अच्छी चीज़ें कर रहे हो तुम, तुमको अभी सपोज अभी इसने टी शर्ट की बात की, टी शर्ट डिज़ाइन ये वो सब आ रहा है, पहला सोल्ड आउट भी होगा, सब हो गया. अभी दूसरा जब तक आया उसके बाद फिर वो हो गया, फिर गाने भी बनाए उसमें भी मेरे को इंटरेस्ट है, मूवी बनाए उसमें भी इंटरेस्ट है, टी शर्ट बना रहा हूँ उसमें भी इंटरेस्ट है. मतलब 3-4 जगह पे डिवाइडेड है मेरे को. और मेरा अभी मैं काम क्या कर रहा हूँ, कहीं पे जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे, जस्ट बिकॉज मेरे को उधर से मॉनेटरी फ़ायदा मिल रहा है. तो ये तो टेम्प्रेरी हुआ ना, 40-50 साल तक मैं कितना ही जॉब करूँगा, और करने वाला तो वैसे भी ये लोग 4-5 साल करूँगा और कितना ही ज़्यादा करूँगा ये लोग के साथ जॉब, जब तक मेरे को कुछ एक सॉर्टेड मिले. तो अभी ऑलरेडी मेरा एज इतना हो चुका है, मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम ऑलरेडी वेरी लेट. और यहाँ पे लोग लिटरली 18-19 के इसमें वो लोग शुरू कर रहे हैं, ये जैक हार्लो ये 24-25 मेरे इतना ही है, पोस्ट मलोन मेरे से 1 साल छोटा है, हॉल्सी मेरे से एक साल बड़ी है, काइली जेनर ये सब वो तो उनका खानदानी पैसा है, बट जो भी ग्राउंड अप से उठे हैं वो सब बेसिकली जो भी टू टॉप के जो इंटरनेशनल रैपर्स हैं उनको उठा के देख ले सब मेरे एज के ही है. अभी वो लोग को ऐसा देख के लगता है कि अरे ये तो 26 का है, अरे ये तो 25 का है, अरे ये तो 24 के, अरे ये तो मेरे इतनी है और ऑलरेडी उसमें कर रही है. बिली आइलिश का एग्जांपल ले ले, वो तो उसने लिटरली अभी उसका 18th बर्थडे हुआ है तभी जाके वो गाड़ी चलाना, उसका वो डॉज गाड़ी उसका फेवरेट है. उसके इतने सारे इंटरव्यूज में वो बोलती है कि मैं मेरे डॉक्यूमेंट्री में बोले थे कि डॉज गाड़ी उसकी फेवरेट है, डॉज चार्जर या चैलेंजर, तो वो चला नहीं पा रही है ये वो, उसका मतलब उसके प्रॉब्लम्स ही अलग है. क्यों? क्योंकि उसने बचपन उसके गोल्डन शूज आर रियली टाइट. एग्जैक्टली, माय प्राडा शूज आर वेरी नॉट कम्फी, आई नीड गुची वंस. तो मतलब उसके तकलीफ ही अलग है भाई, मतलब कि और ये क्यों है, क्योंकि यंगर एज से उसको मालूम था उसको क्या करना है, उसके आजू बाजू के सराउंडिंग, उसका भाई अच्छा प्रोड्यूसर है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, मोस्ट ऑफ द गाने उसके उसने ही बनाए हैं, उसको मतलब एक सपोर्ट है, उसको मालूम है क्या करना है, तो वो चल गई है ना अच्छा खासा. तो वो यंगर जस्टिन बीबर को पकड़ ले, बिली आइलिश पकड़ ले, लाइक इफ यू वुड इफ यू आर कंसिस्टेंट विद एनीथिंग यू कैन गेट दैट. मैं नवल रविकांत के पॉडकास्ट में सुना है, लाइक ऑफकोर्स ओम शांति में भी सुना है, बट नवल रविकांत ही इज द लाइक आई डोंट नो आई फॉलो हिम अ लॉट. मैं अभी रिसेंटली उसके पॉडकास्ट सुनने लगा हूँ और बहुत इंसाइटफुल है उसका ये, लाइक ही टॉक्स अबाउट एवरीथिंग, हाउ टू गेट रिच, हाउ टू डील विद ब्रेकडाउन्स, हाउ टू एवरीथिंग. तो ही वाज लाइक इफ यू डू एनीथिंग कंसिस्टेंट इनफ that thing is like more, you cannot miss that if you're doing doing that basically thing, talent that. Beats consistency, exactly. Usne koi bola ki hard work beats consistency, hard work? Talent beats consistency anytime. Main to dekha bhi nahi hai ये, तो तू बोल रहा है मैं देखा भी नहीं है. मेरे को ये पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मेरे को पता है. यूट्यूब भी देख मेरा, तू मैं
सात साल हो गया मेरे को YouTube पे, अभी भी सिर्फ 313-314 लोग हैं सब्सक्राइब करने वाले। उसके बाद फिर अगर तू ये टी शर्ट का देख ले, पहले शुरू किया था, अभी का शुरू किया है, उसमें भी कंसिस्टेंसी ऊपर नीचे है, फिर अभी फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग पकड़ ले, तो कंसिस्टेंसी नहीं है ना। आज मैंने एक वो YouTube पे वो रील स्क्रोल कर रहा था, माइक टाइसन बोलता है उसको एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आर यू अ बिलीवर ऑफ टैलेंट, बोलता है आई डोंट बिलीव इन टैलेंट, बोलता है ओनली पैशन कंसिस्टेंसी एंड द डिटर्मिनेशन इज एट द टॉप, टैलेंट इज नथिंग। बोलता है तुमको टैलेंट है बहुत सारे, भाई मैं लिटरली इतने सारे लोगों को से मिल चुका हूँ जिनको मतलब अबाउ दिस क्लाउड उन लोगों इतना टैलेंट है, बट कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसमें। बट अगेन वो लोग बैंक की जॉब कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये करना है, क्यों? क्योंकि फैमिली प्रेशर है, क्यों? ये वो करके डिटरमिनेड ना। हाँ, मतलब मैंने ये भी वो ऐसे भी लोग देखे हैं जो लड़ झगड़ के वो लोग अपना काम कर रहे हैं, भाई घर से घर छोड़ वोड़ के निकल रहे हैं बाहर कि भाई नहीं हमको यही करना है। कोई लोग ऐसे भी देखे हैं जिनको इतना टैलेंट है उसके बाद भी वो लोग स्किप कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं कहीं पे, और फिर दूसरी जगह पे मतलब ऐसे हैं कि मतलब कुछ नहीं आता है बट जस्ट कंसिस्टेंट थे तो बहुत ऊपर चले गए, तो वो भी तो फर्क है ना यार। मतलब हार्डवर्क इम्पोर्टेंट है बट इन अ प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड। अभी कैसे कोई 9 to 5 काम कर रहा है तो उसका जो आर्ट वाले इसमें वो लोग क्या ही काम कर रहे हैं, वो एक गाना लिख दिया उसमें वो लोग को इतना सारा आ रहा है, एक्टिंग में आ गए एक गिग से वो लोग को इतना सारा आ रहा है, जो 9 to 5 है वो लोग का काम इतना ज्यादा है बट फिर भी रिटर्न बहुत कम है। सो यू हैव टू चूज इन वॉट यूर ऑप्टिंग फॉर, स्मार्ट प्ले करना है बेसिकली। exactly. तुमको यंग एज में स्मार्ट प्ले करना है। हार्डवर्क बीट्स टैलेंट बट स्मार्ट वर्क बीट्स हार्डवर्क, बीट्स हार्डवर्क बीट्स टैलेंट ऑल्सो। अभी चुप कर आउटरो देने दे। सो दैट वॉज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट फॉर रियल। वी वॉन्ट यू ऑल टू Except subscribe, yeah, accept us in a huge way, in a huge way, oh God. Also, accept yourself. That is there. Also, accept our channel, subscribe to it, like it, share it, yeah. Comment on it, or kya bas? If you like it, if you subscribe it, if you comment it. तेरे को भी ऐसा no peer pressure. Bitch. Only bullying. that is not what we are promoting. What we are promoting, yeah. Exactly. That was just a joke. A dark humor. Do not opt for pinpoint. Pinpoint in the comments. Don't be a. Hello, boy. Hello. One way.